हेलो। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत सारे टाइप्स होते हैं और वो होते हैं हमारे नाउन, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, प्रोनाउन, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, एडजेक्टिव एंड वर्ब। नाउन क्या होता है? वर्ड दैट नेम्स means a person, place, a thing and an animal। ये mountain दिख रहा है, ये computer है, ये butterfly है, यहाँ पर ये starfish है, and then this is a crab and this is a human। These all are names। Names is noun। Noun ही नाम होता है। Noun, नाम, name are exactly same। If I say a person, a girl, a boy, it is a noun। If I say Mumbai, it is a noun। If I say Delhi, it is a noun। If I say a thing, like it is a key, then a key is a noun। A house, a bungalow, this is a noun। Then an animal, a cat, a dog, a goat, a horse, these all animals। Then domestic animals, then wild animals, these are proper noun। So these are noun, ठीक है। Then kinds of noun। कॉमन नाउन मीन्स अ कॉमन नाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज फॉर अ क्लास, पर्सन, प्लेस और अ थिंग, लाइक अ कार। आई एम नॉट सेइंग इट इज अ लैम्बोर्गिनी, आई एम सेइंग इट्स अ कार। आई एम नॉट स्पेसिफाइंग दैट विच कार इट इज, देन इट इज अ कॉमन नाउन। देन प्रॉपर नाउन इज अ नाउन ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। मीन्स क्या प्रॉपर नाउन, यहाँ पर सॉरी, अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, which means like if I say Ria, then that RIYA will be, I'll be writing R with a capital letter because it's the name of a girl and it is a proper noun। I'm specifying that the name of a person, ठीक है, समझ में आया सबको इतना। If I say Lamborghini, car, तो यहाँ पर Lamborghini is a proper noun and car is a common noun। Okay, when I'm specifying a common noun क्या होता है, एक फ्लावर। आई एम नॉट गिविंग फ्लावर अ नेम दैट इट इज़ अ रोज, बट आई एम जस्ट सेइंग इट इज़ अ फ्लावर, दैट इट इज़ अ प्रॉपर। ओके, नेक्स्ट। देन कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स अ ग्रुप ऑफ नाउन। इफ आई से अ ग्रुप ऑफ नाउन, इट्स नॉट एग्जैक्टली अ ग्रुप ऑफ नाउन, बट इट मीन्स अ बंडल, समथिंग ऑफ अ बंडल, अ ग्रुप। इफ आई से समथिंग अबाउट ग्रुप और अ टीम, देन इट इज़ अ कलेक्टिव नाउन। सी, लेट मी जस्ट रीड द डेफिनेशन ऑफ फॉर यू गाइज। अ प्रॉपर नाउन इज अ नाउन ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग दैट इज इट्स ओन नेम। अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। ओके, कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज द वर्ड यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ थिंग्स लाइक टीम, जूरी, ठीक है। नाउ इफ आई से बंडल, इफ आई से बुके, सो दीज ऑल थिंग्स आर लाइक कलेक्टिव, कलेक्शन ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। एंड देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स वॉट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर आइडियाज और अ फीलिंग्स और क्वालिटीज लाइक लव, हेट, काइंडनेस, इमेजिनेशन, करेज, द थिंग्स विच आई कैनॉट शो, विच कैनॉट बी व्यूड इन 3D और इन 2D, ठीक है। उसको सिर्फ which has only ideas or a quality, like if I say she is humble, then we cannot see the humbleness like from, you know, like in the 3D view, but we can just see or feel, okay, like luck or bitterness, carefulness, your cheerfulness, confidence, joy, sadness, all these things comes in abstract noun। Then material noun means, material noun is a noun of a material or a substance like I purchased a gold ring, or calcium is good for health, then calcium is good for health, these all are materials। Pronoun, the pronoun is a word used in place of one or more noun। Pronoun is the thing or a word which is used, like if I say a person, a name of a person like Ria, then अगर मैं रिया के ऊपर कोई ऐसे लिख रही हूँ, देन आई विल नॉट राइट अगेन एंड अगेन दैट रिया इज़ अ गुड गर्ल, रिया गोज टू स्कूल एवरी डे, रिया कम्प्लीट्स हर होमवर्क एट टाइम, एंड रिया ड्रिंक्स वाटर अलॉट, एंड रिया स्लीप्स वेल, नॉट लाइक दैट। तो मैं हर बार रिया रिया नहीं बोलूँगी। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अगर मैं बोलूँ रिया इज़ अ गुड गर्ल,
शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे, शी स्टडीज़ वेल, शी डज हर होमवर्क एवरी डे एट टाइम. तो मैं यहाँ पर शी लगा रही हूँ, मतलब क्या, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ वन और मोर नाउन. इट स्टैंड्स फॉर अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, लाइक इनफाइनाइट प्रोनाउन. ठीक है, एनीबडी, ईच, आइदर, नन, समवन. ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब क्या, दिस, दैट, दोज. टी टी से स्टार्ट होगा, टी एच से स्टार्ट होगा, समझ जाना डेमोन्स्ट्रेटिव है. इंटरोगेटिव मतलब क्या, हु, होम, देन वॉट, विच, हुज, ये सब आएगा आपके इंटरोगेटिव में. उसके बाद पर्सनल में आएगा आई, मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बात करूँगी, अपनी, मैं, ये जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ ये भी पर्सनल राउंड में आते हैं. आई, मी, माइन, योर, योर्स, द, हर, हर्स, इट्स, मतलब हम लोग ना, मतलब इसमें सिर्फ मैं अपनी बात नहीं, मैं अपना, सामने वाले का और तीसरे वाले को मिलाकर जो प्रोनाउन बनता है उसको पर्सनल नाउन प्रोनाउन कहते हैं. जैसे आर मतलब हमारा, ठीक है, हम सब का. एंड देयर मतलब उसका. देन माई सेल्फ मतलब मेरा. योर सेल्फ मतलब तुम्हारा. ठीक है, तो ये होता है पर्सनल नाउन. इनफाइनाइट नाउन तो मतलब पता है, एनी बडी, ईच, ईच कौन कौन नहीं मालूम, नन कोई भी नहीं, तो ये होता है इनफाइनाइट. ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव सबको पता चल गया, टी एच से स्टार्ट होगा. ठीक है, वर्ब सबको पता है, अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस एक्शन, वॉकिंग, लिंकिंग, यहाँ पर लिंकिंग, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्शन वर्ड होता है, वर्ब होता है. ठीक है, अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एक्शन. ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर काइंड ऑफ वर्ब जो होते हैं वो होते हैं एक्शन वर्ब्स एक्सप्रेसेस मेंटल और फिजिकल एक्शन. लिंकिंग वर्ब्स मेक्स अ स्टेटमेंट बाय कनेक्टिंग द सब्जेक्ट विद आइडियाज, दैट ही रोड द हॉर्स टू विक्ट्री. तो रोड यहाँ पर कुछ एक्शन हो रहा है, कुछ काम हो रहा है. ही हैज़ बीन सिक, ही हैज़ बीन सिक में भी वो सिक था, तो यहाँ पर उसका कुछ वर्ब था उसमें. ठीक है, उसके बाद एडजेक्टिव. ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली पीडीएफ थोड़ा सही बनानी है, यहाँ पर एडजेक्टिव लिखा है. ठीक है, आई नो द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द कलर्स आर वेरी वेरी बैड, बट या यू हैव टू एडजस्ट इट. एडजेक्टिव, ठीक है, द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स मोर अबाउट नाउन. सी, इफ़ आई से अ रोज इज़ रेड, तो मैं यहाँ पर अ रोज में अपने सेंटेंस कंप्लीट कर सकती थी, बट आई एम स्पेसिफाइंग दैट रोज इज़ रेड. आई एम गिविंग द क्वालिटी, आई एम जस्ट स्टेटिंग द क्वालिटी, वन मोर क्वालिटी ऑफ द रोज दैट इट इज़ रेड. ठीक है, तो यहाँ पर द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स मोर अबाउट नाउन, फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट लेडी, सनी डे, मतलब मैं यहाँ पर डे भी बोल सकती थी लेकिन मैंने उसकी क्वालिटी बताया, सनी डे, सॉफ्ट बेड एंड स्वीट बॉय. ठीक है, तो यहाँ पर ये सब क्वालिटी है. ठीक है, तो यहाँ पर उसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव्स, के भी काफ़ी सारे टाइप होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, पोजेसिव, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव. ठीक है, यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, आप सबको इसका मीनिंग भी बता देती हूँ. ठीक है, यहाँ पर देखो क्वालिटी मतलब क्या, क्वालिटी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है. ठीक है, मतलब कोई चीज़ कैसी है. इफ़ आई से She is a good girl. मैं यहाँ पर मैं she is a girl भी बोल सकती थी, but I am giving a quality कि वो good है. अब good जो है वो क्या मैं quantity बोल रही हूँ कितनी good है, नहीं, मतलब मैं यहाँ पर कुछ quality, उसकी quality बताई तो ऑफकोर्स ये quality हो गया. quantity मतलब 2 liters of milk, यहाँ पर 2 क्या हो रहा है, मैं 2 मतलब लीटर की कुछ मैं लीटर को और अच्छे से डिफाइन कर रही हूँ एडजेक्टिव की मदद से, और यहाँ पर 2 मतलब क्या क्वान्टिटी, नंबर मतलब ऑफकोर्स क्वांटिटी है, मतलब ये भी आ सकता है, ये नंबर होगा. क्वांटिटी में मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ अ रैग ऑफ राइस, तो यहाँ पर राइस का रैग जो है वो कितना ज़्यादा राइस है उसमें कितने ज़्यादा चावल के दाने हैं वो हम लोग उसको गिन नहीं सकते, इनफाइनाइट. ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे दिस. ठीक है, ओके, उसके बाद एडवर्ब मैंने बता दिया था, वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब और वर्ब फेस. ठीक है, मतलब ये क्या होता है, इट गिव्स मोर अबाउट वर्ब, जैसे एडजेक्टिव गिव्स मोर अबाउट द नाउन वैसे ही एडवर्ब गिव्स मोर अबाउट से वर्ब. ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स द वर्ब, दैट ही रैन क्विकली, हाउ ही रैन, ही रैन क्विकली, शी लेफ्ट येस्टरडे, व्हेन, देन शी लेफ्ट, मतलब इसके जवाब जो होते हैं इसके क्वेश्चन ऐसे आते हैं. ठीक है, आंसर्स द क्वेश्चन, जो एडवर्ब होता है ये बात याद रखना है, जो एडवर्ब होता है वो हमेशा कोई क्वेश्चन का आंसर बताता है, जो एडवर्ब होता है वो हमेशा क्वेश्चन का आंसर बताता है. जैसे इट वॉज़ टू हॉट,
टू वॉट डिग्री और हाउ मच इट वॉज हॉट, तो ये बता रहे इट वॉज टू मच हॉट. वी वेंट देर, वेर यू वेंट, वी वेंट देर, मतलब यहाँ पर भी ये आंसर बता रहे हैं. उसके बाद यहाँ पर देखो शी लेफ्ट यस्टरडे, तो वैन शी लेफ्ट, शी वेंट लेफ्ट यस्टरडे, सिंपल सी बात है यहाँ पर ये हो जाएगा. उसके बाद प्रेपोजिशन बहुत सिंपल है, इंट्रोड्यूसेस अ नाउन और प्रोनाउन और फेज फंक्शनिंग एज अ नाउन द वर्ड और अ ग्रुप दैट दैट द प्रेपोजिशन इंट्रोड्यूसेस इज इट्स ऑब्जेक्ट. जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, तो यहाँ पर बुक कहाँ पर है उसके बारे में मतलब ये भी लिंक कर रहा है, ठीक है. यहाँ पर ये द चिल्ड्रेन क्लेम द माउंटेन विदाउट फियर, ठीक है, तो यहाँ पर अलोंग अंडर फॉर ये सब प्रेपोजिशन है आप सबके. सम कॉमन प्रेपोजिशन क्या होते हैं, अबाउट, अबाउट, अबव, अक्रॉस, आफ्टर, अगेंस्ट, अलोंग, अमंग, अराउंड, एट, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बीनीथ, बिटवीन, ओके, यहाँ पर डाउन, ड्यूरिंग, एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट, सॉरी, फ्रॉम, इन, इनटू, लाइक, ऑफ, ऑफ, यहाँ पे ऑफ ऑफ देख सकते हैं, दो दो अलग अलग, एक तो बंद वाला और एक ऑफ है. ऑन, ओवर, पास, सिंस, दो, थ्रू आउट, टू, फॉरवर्ड, अंडर, अंडरनीथ, अनटिल, अप, अपॉन, विद, विदिन, ये सब प्रेपोजिशन होते हैं. अ प्रेपोजिशन नेवर स्टैंड्स अलोन, ये बात हमेशा याद रखना है, अ प्रेपोजिशन नेवर स्टैंड्स अलोन, लाइक प्रेपोजिशन में दो जो बटा हुआ है वो नाउन और प्रोनाउन, मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन वो यही होता है, ये कभी भी अलग लाइन नहीं करेगा. प्रेपोजिशन हमेशा इन दो चीज़ों से डिपेंडेंट होगा, नाउन और प्रोनाउन. मतलब क्या, यू कैन प्रेस दोज लीव्स अंडर ग्रास, ठीक है, यहाँ पर देखो अंडर ग्लास, यहाँ पर यू कैन प्रेस दोज लीव्स अंडर ग्लास, तो यहाँ पर जो अंडर है, जो अंडर है वो प्रेपोजिशन है, अंडर प्रेपोजिशन है, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो ग्लास है, ठीक है, तो हमेशा वो इट कैन हैव वन और मोर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा ही होगा, ठीक है. जैसे वैन हर टेलीग्राम टू नीना एंड जाइफ बॉट गुड न्यूज़, ठीक है. उसके बाद यहाँ पर लिखा है ये दो फॉर है, नहीं सॉरी टू है, तो ये हो जाएगा प्रेपोजिशन और ये दो हो जाएंगे ऑब्जेक्ट. द ऑब्जेक्ट कैन हैव अ मॉडिफायर्स, इट हैपेंड ड्यूरिंग द लास्ट एग्जामिनेशन, ठीक है. कंजंक्शन सिंपल होता है, वर्ड विच जॉइंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब एंड, टू, बिकॉज, बट, ये सब होता है कंजंक्शन, सबको पता है. इंटरजेक्शन सबसे ईजी होता है, जिसके लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, मतलब ये वाला मार्क आता है, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरजेक्शन, इट इज़ एन एक्सक्लेमेटरी वर्ड, ठीक है. तो यहाँ पर अभी मैंने ये वाला पूरा हम लोग का PDF ख़त्म होता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड. आई होप कि एवरी पार्ट ऑफ द वीडियो इज़ वेरी क्लियर. टोटल 7 टाइप्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, याद रखना है. नाउन, एडवर्ब, प्रेप, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड ऑल. थैंक यू सो मच, बाय.